A very warm welcome to all the aspirant of library and information science. सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी library science से BLIS, CLIS, AMLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या फिर आप में से कई सारे student हैं जो competitive exam की तैयारी कर रहे हैं. तो student, इस video में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं library trainee का जो post है वो निकला हुआ है. तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें. जो BLIS MLIS कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी जो मतलब वैकेंसी है निकलती है उनके रिगार्डिंग भी हम बताते रहते हैं. और प्लस जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 3 अगस्त से, तो उसके लिए भी हम लेक्चर जो है वो डाल रहे हैं कॉन्टीन्यूसली. तो ये है आज का जो फॉर्म है, ये निकला हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी से, ये हिमाचल प्रदेश में है. तो यहाँ पे जो फॉर्म निकला हुआ है वो इसका डेट है 3/7/2021 और एप्लीकेशन फॉर इंडियन नेशनल आर इनवाइटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली. ऑनलाइन मतलब करना है आपको इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो भी इनका है. तो पोस्ट क्या है, लाइब्रेरी ट्रेनी प्योरली टेम्प्ररी फॉर 1 ईयर. आपको 1 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनी के इनकी ज़रूरत है, तो 1 साल के लिए है. नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 3 है. और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डेट इज़ एमलिव अगर आपने कर रखा है तो, किसी भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट 60% मार्क अगर आपका है तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं. फिर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का आपको नॉलेज होना चाहिए. फिर उसके बाद एज की बात करें तो 25 ईयर एज ऑन डेट ऑफ जो भी मतलब आपका डेट है, यहाँ से आपको मतलब आप 25 साल के ज़्यादा के हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं. फिर कंसोलिडेटेड पे की बात करें तो आपको 15,000 पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाएगा. और अदर अलाउंस जो है प्रोविज़न ऑफ अटेंडेंस ऑन नेशनल लेवल वर्कशॉप. फिर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जैसे कि ऑल द वर्क एसोसिएटेड विद द लाइब्रेरी इनिशिएटेड ट्रेनी विल बी प्रोवाइडेड फॉर द फ्रेश कैंडिडेट्स. जो भी वर्क्स वगैरह है वो फ्रेश कैंडिडेट्स को दिया जाएगा. और यहाँ पे द कैंडिडेट्स इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क ड्यूरिंग ऑड आर. जो भी ऑड आर है उसमें भी आपको काम जो है आपको दिया जाएगा. फिर जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे वही मंडी हिमाचल प्रदेश से निकला हुआ है ये फॉर्म. फिर यहाँ पे ये टेम्प्ररी प्योरली टेम्प्ररी बेस पे है, मतलब 1 साल के लिए, 1 साल के बाद आपको यहाँ से मतलब निकाल दिया जाएगा. फिर द पोस्ट इज़ ओपन फॉर एलिजिबल पर्सन फॉर ऑल कास्ट एंड ऑल कैटेगरी. जितने भी कास्ट के हैं वो सब मतलब फिल कर सकते हैं. फिर द एप्लीकेंट्स मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द नेम ऑफ द पोस्ट ऑन एनवलप. जो भी आप एनवलप भेजेंगे उस पर पूरा अच्छे से नेम पोस्ट वगैरह सारा मेंशन होना चाहिए. जो भी आपका चीज़ें हैं वो सब आप फिल करके और फिर यहाँ पे भेज दें. द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मा बाई 15/7/2021. 15/7/2021 तक आप इसको फिल करके भेज दें ताकि उन तक ये पहुंच जाए. तो यहाँ पे देखिए द कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग, यहाँ पे इनका ये ईमेल एड्रेस है ताकि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे आप मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो इसका जो लिंक है हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप देख के और चीज़ों को फिल कर सकें. तो देखिए यहाँ पे कैसे आपको चीज़ों को फिल करना है. यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर डिजिग्नेशन, यहाँ पे आपको अपने एक फ़ोटो, फिर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, फिर कैटेगरी कहाँ से मतलब SC ST OBC, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल, और फिर यहाँ पर फिर अपना एकेडमिक पूरा डिटेल भर दें. और वर्क एक्सपीरियंस अगर आप एक्सपीरियंस है तो, और यहाँ पे डिक्लेरेशन करके और सिग्नेचर करके आपको सबमिट कर देना है. तो आई होप आपको जो लेक्चर है आज का वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. कोई भी डाउट हो लेक्चर के रिगार्डिंग तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें. तो मिलते हैं आप सभी से किसी अलग टॉपिक पे किसी अलग वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.